तो हाय गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फोटोडिंग। तो गैस, वीडियो लाने में एक दिन देर हो गया क्योंकि हमारे चैनल के लिए मैं एक वेबसाइट बना रहा था। तो वेबसाइट तो तैयार हो चुकी है, आज से ही हमारे स्टॉक वगैरह वो डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक, जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हो स्टॉक वगैरह को। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज मैं आपको सीखने वाला हूं सोशल मीडिया लाइक इमोजी कॉन्सेप्ट की फोटोडिंग। अक्सर इस टाइप की फोटोडिंग देखने में बहुत ज्यादा ऑसम लगता है। सो गैस, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है पूरी एंडिंग को सीखने के लिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ की बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलेगा इस बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी एडिटिंग को बनाने के लिए आपको सिंपल आपको पिक्सआर्ट आपको ओपन कर देना है एंड गैस अपनी पिक को हमें इनपुट कर देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एडिटिंग के लिए आपके शार्ट अगर ब्लू होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर ब्लू नहीं तो कोई बात नहीं है, किसी भी शार्ट को ब्लू बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा किसी भी शार्ट को कैसे ब्लू बना सकते हो, किसी भी कलर का शार्ट को भी ब्लू बना सकते हो। तो यहाँ पर मोल्ड के शार्ट है रेड, तो यहाँ पर ब्लू बनाकर दिखाऊंगा। तो ब्लू कैसे बना सकते हो यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इफेक्ट टूल पर क्लिक करना है। तो ये है इफेक्ट्स का टूल, सिंपल आपको इफेक्ट टूल पर क्लिक करना है एंड गैस आपको हुई ऑप्शन को चूज करना है। तो ये फिल्टर को चूज करके यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करके ये अमाउंट को आपको इस तरह से कम या ज़्यादा करके आपको कलर को चूज करना है। तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर को चूज करता हूँ, तो इतना ही रखता हूँ। ये ब्लू को आपको रखना है, तो ये ब्लू को रख करके आपको क्या है, इरेज टूल पर क्लिक करना है। ऊपर मिल जाएगा इरेज टूल, सिंपल आपको इरेज टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फेस के ऊपर और हेयर के ऊपर आपको स्किन से हटा देना है, आपको शार्ट के ऊपर ही रखना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इरेज पर क्लिक करना है और गैस साइज को आपको 97 के आसपास रखना है और साइज को कम करके वो हार्डनेस को 97 रखना है और साइज को कम करके 20 रखना है। और इस तरह से फेस के ऊपर और हैंड के ऊपर हटा देना है, सिर्फ आपको शार्ट के ऊपर रखना है। तो यहाँ पर मैं पहले से ब्लू शार्ट क्रिएट कर चुकी हूँ, यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैं इनटू करके यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इरेज करके आपको हटा देना है स्क्रीन से, और यहाँ पर सेव करके आपको डिस्कार्ड कर देना है इमेज को। और यहाँ पर मैं डिस्कार्ड करके यहाँ पर बैकग्राउंड को ओपन करता हूँ। तो ब्लू शार्ट क्रिएट कर देना है आपको, उसके बाद आपको बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पर बैकग्राउंड ओपन हो चुकी है, तो ये बैकग्राउंड आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करना है। तो ये रहा टूल्स का ऑप्शन, सिंपल आपको टूल्स पर क्लिक करके यहाँ पर आपको रिसाइज पर क्लिक करना है। तो ये रहा रिसाइज का ऑप्शन, आपको रिसाइज को थोड़ा बढ़ा देना है, सिंपल आपको बढ़ाने के लिए आपको 3873 रखना है और गैस आपको यहाँ पर डन करना है। और रिसाइज पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो क्वालिटी बढ़ चुकी है। तो क्वालिटी बढ़ने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको एड फोटो चलना है। तो ये रहा एड फोटो का ऑप्शन, सिंपल आपको एड फोटो क्लिक करना है और गैस आपको एड फोटो जा करके यहाँ पर अपने पिक को हमें सिलेक्ट करना है, जो आपने ब्लू शर्ट को क्रिएट करके रखा था उसी पिक को हमें सिलेक्ट करना है। और इस तरह से आपको बड़ा करके आपको ज़्यादा ही कुछ बड़ा रखना है, तो इस तरह से यहाँ पर बड़ा करके आपको यहाँ पर बीच में आपको एडजस्ट कर लेना है। तो बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो चुकी है, तो सिंपल आप यहाँ पर एडजस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर कलर वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एडजस्ट नहीं करूँगा, तो सिंपल आपको यहाँ पर डन करके बैक चलें। तो बैक जाने तो अभी गाइस आपको क्या करना है, सिंपल आपको फिर से आपको एडफोर्ड चलें, एडफोर्ड जा करके यहाँ पर आपको जो इमोजी पीएनजी को लाइक और ओ इमेज को पीएनजी को सभी को ऐड कर लेना है। तो ये सभी पीएनजी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, सिंपल डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो सिंपल आपको इस तरह से बड़ा कर देना है और गैस आपको फुल स्क्रीन करके आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं फुल स्क्रीन कर देना और गैस आपको मेरे डन कर देना है। तो गैस यहाँ पर पीएनजी वगैरह अच्छी तरह से फिट हो चुकी है, लेकिन गैस अभी आपको कलर कर्सन करना है, लाइटरूम पर कलर कर्सन करके और भी ज़्यादा अच्छा बनाना है इमेज को। तो गैस आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। तो अभी आपको इमेज को सेव कर देना है, उसके बाद लाइटरूम पर इनपुट कर देना है कलर कर्सन के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लाइटरूम पर अपनी पिक को यहाँ पर इनपुट कर देना है। तो यहाँ पर मैं पहले से ही इनपुट कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करना है। तो सिंपल आपको यहाँ पर ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करना है। तो ये रहा ब्राइटनेस टूल, आपको ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक्सपोजर्स को छोड़ देना है एंड कैसे आपको कॉन्ट्रास्ट को जैसे प्लस करके आपको एड रखना है, और कैसे आपको हाईलाइट्स को भी आपको हल्का सा प्लस करके आपको 6 रखना है, और यहाँ पर शैडोज़ को भी प्लस करके आपको एड के आसपास रखना है। तो यहाँ पर मैं 10 रखता हूँ, और कैसे आपको व्हाइट्स को भी आपको हल्का सा प्लस करना है, आपको एड रखना है, और यहाँ पर ब्लैक को हल्का सा प्लस करना है, तो प्लस आपको 10 रखना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कलर टूल पर क्लिक करना है। तो सिंपल आपको ये रहा कलर टूल, आपको कलर टूल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर कलर टूल पर क्लिक करके तो यहाँ पर कलर टूल पर क्लिक करना है, और कैसे आपको कलर टूल पर क्लिक करना है, वाइब्रेंस को हल्का सा प्लस कर देना है, प्लस आपको रखना है वाइब्रेंस को आपको 18 के आसपास, और यहाँ पर टेम्परेचर को इस तरह से माइनस कर लेना है, माइनस आपको 4 रखना है, और यहाँ पर टिंट को भी इस तरह से माइनस करना है, टिंट को माइनस करके आपको रखना है यहाँ पर आपको रखना है 14 के आसपास, और सॉरी गाइस 14 नहीं, आपको रखना है आपको 80 के आसपास। तो यहाँ पर मैं 6 रखता हूँ। सो गाइस, आपको यहाँ पर सर्कल टूल पर क्लिक करना है। तो ये रहा सर्कल टूल, सिंपल आपको सर्कल टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रीन कलर पर क्लिक करना है। ग्रीन कलर की आपको क्या करना है, हुई को आपको 100 माइनस करना है, और यहाँ पर आपको सेचुरेशन को इस तरह से प्लस कर सकते हो। तो प्लस करके आपको रखना है सेचुरेशन को आपको 40 के आसपास रखना है, और कैसे आपको ब्लू कलर पर क्लिक करके ब्लू कलर की जो हुई को हल्का सा यहाँ पर माइनस करें, डिक्रीज करके आपको 10 रखना है, और यहाँ पर जो सेचुरेशन को इस तरह से प्लस करें, तो प्लस आपको 14 के आसपास, और यहाँ पर लुमिनस को हल्का सा डिक्रीज करना है आपको 11 के आसपास। और यहाँ पर क्या करना है,
यहाँ पर येलो कलर पे क्लिक करें, येलो कलर की हुई को हल्का सा प्लस करना है, सॉरी गाइस आपको सेचुरेशन को हल्का सा प्लस करना है, आपको 17 के आसपास करना है। और यहाँ पर सेकंड कलर पे क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, लुमिनस को इससे प्लस करके आपको फेस को गोरा बना सकते हो। तो मैं हल्का सा प्लस करके यहाँ पर 22 रखूंगा और यहाँ पर सेचुरेशन को हल्का सा यहाँ पर माइनस करूंगा, 6 करूंगा। और यहाँ पर जो पहला कलर की सेचुरेशन को इससे प्लस करके यहाँ पर रेड कलर को थोड़ा प्लस कर दूंगा, यहाँ पर मैं 24 रखूंगा। और गाइस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलाएं, बैक जाने दो। यहाँ पर क्या करना है, इफेक्ट टूल पर क्लिक करें, तो ये है इफेक्ट का टूल, सिंपल आपको इफेक्ट टूल पर क्लिक करिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर को छोड़ दे रहे हैं। और गाइस आपको क्लाइड को हल्का सा प्लस करके आपको यहाँ पर 10 रखना है, और यहाँ पर डीएच को हल्का सा प्लस करना है आपको 4 रखना है, और यहाँ पर भीग्रेन को इस तरह से माइनस कर देना है। और गाइस अभी आपको क्या करना है, सिंपल आपको ऊपर टूल पर चले जाना है, आपको यहाँ पर सर्कल टूल मिलेगा, तो ये सर्कल टूल पर क्लिक कर दे रहे हैं, और इसी सर्कल टूल पर क्लिक करके यहाँ पर इसी शेप को ले जाना है, और यहाँ पर नीचे इधर आपको इस तरह से क्रिएट कर देना है, इस तरह से क्रिएट करके आपको हल्का सा शैडो देना है, तो सिंपल आपको इस तरह से क्रिएट कर देना है। और यहाँ पर ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करके यहाँ पर एक्सपोजर को थोड़ा यहाँ पर डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज आपको यहाँ पर आपको इतना रखना है यहाँ पर -2 के आसपास। और गाइस आपको फिर से प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर ये सर्कल टूल को क्लिक कर देना है, और इसी सर्कल को इस तरह से फेस के ऊपर इस तरह से रख लेना है, बॉडी के ऊपर, जो मॉडल की बॉडी के ऊपर इस तरह से रख लेना है। और गाइस आपको उसकी अपोजिट ले जाना है, अपोजिट लेने के लिए आपको इसी टूल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अपोजिट हो चुकी है, तो फिर से आपको ब्राइटनेस टूल पर क्लिक करना है, और हम ब्राइटनेस के एक्सपोजर को इस तरह से माइनस कर देना है, तो एक्सपोजर को माइनस करके आपको रखना है, यहाँ पर आपको इतना रखना है, 2-3 बार माइनस कर देना है, और गाइस आपको हमें डन कर देना है। तो बहुत ही अच्छे से शैडो इफेक्ट आ चुकी है। सो अभी आपको क्या करना है, सिंपल आपको फिर से आपको यहाँ पर चलना है, आपको इसी टूल पर क्लिक करना है, डिटेल्स टूल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अभी आपको शार्पनेस को प्लस करना है, शार्पनेस को आपको रखना है 40 के आसपास। और गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कलर टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इसी टूल पर क्लिक करना है, तो ये 3 डॉट पर क्लिक करना है, और 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको मिलेगा वो हाईलाइट्स, तो हाईलाइट्स को आपको रखना है, हाइलाइट्स को आपको यहाँ पर ब्लू की साइड पर ले जाना है, तो ब्लू की साइड पर आपको ले आकर के 200 हुई को आपको 200 आसपास रखना है, और यहाँ पर डन करना है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कलर फिट हो चुकी है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा बिफोर एंड आफ्टर, बहुत ही बड़ी एडिटिंग हो चुकी है। आई होप आपको ये एडिटिंग अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे फोटो एडिटिंग आप मिस ना करें, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलेगा, मिलता है अगले किसी वीडियो में।